महाविकास अघाड़ी के समीकरणों पर सबकी निगाहें टिकी थी। आज आपको बता दें कि महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग पर मोहर लग गई है। बकायदा उस फॉर्मूले का ऐलान कर दिया गया है जो अघाड़ी में तय किया गया है। अब से कुछ देर पहले महाविकास अघाड़ी के तमाम नेता एक मंच पर आए। शिवसेना के उद्धव ठाकरे वहां पर मौजूद थे, शरद पवार को आप देख सकते हैं, तमाम नेता मंच पर आए और उसके बाद कांग्रेस के भी नेता वहां पर मौजूद थे। उसके बाद सीट शेयरिंग का ऐलान किया गया। जो फॉर्मूला तय किया गया है वो अब आपको बता देते हैं। उद्धव गुट को 21 सीटें इस फॉर्मूले के तहत मिली हैं, कांग्रेस को 17 सीटें दी गई हैं और शरद पवार गुट को मिली हैं 10 सीटें। आपको बताया लंबे समय से खींचतान इस सीट शेयरिंग को लेकर चल रही थी। सवाल ये उठने लगा था कि क्या कभी सहमति पर महाविकास अघाड़ी पहुंच पाएगी या नहीं, लेकिन अब ये गुत्थी सुलझती नजर आ रही है और खबर यही है कि राज्य की 48 सीटों पर अब फॉर्मूला तय हो गया है। 21 सीटें उद्धव गुट को शिवसेना के, कांग्रेस को 17, एनसीपी के शरद पवार गुट को 10 सीटें मिली हैं। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता रौनक हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम पहलुओं पर जानकारी देने के लिए। रौनक, सीटों के नंबर्स तो सामने आ गए, लेकिन जिन 2-3 सीटों को लेकर खींचतान चल रही थी, क्या उन पर सहमति की बात भी स्पष्ट हो गई है? जी देखिए, निश्चित तौर पर आज कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रदेश इकाई के अध्यक्ष है नाना पटोले, वे भी मंच पर मौजूद थे और जिन सीटों को लेकर खींचतान पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस और शिवसेना या फिर एनसीपी के बीच में देखने को मिल रही थी, उस पर भी आज पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए स्पष्टता जो है वो कांग्रेस पार्टी ने कर दी। उनका कहना है कि एक बड़ी पार्टी होने के नाते और एक बड़ा लक्ष्य जो सामने कांग्रेस पार्टी ने रखा है उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा दिल दिखाया है और जो 2-3 सीटें खासतौर से सांगली और भिवंडी की सीट पर जो विवाद देखने को मिल रहा था उस पर अब कांग्रेस जो अपने कदम पीछे ले लिए और वो सीट सांगली की सीट शिवसेना उद्धव ठाकरे की और इसके अलावा भिवंडी की सीट पर एनसीपी की तरफ से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार पार्टी का उम्मीदवार जो है वो यहाँ से चुनाव लड़ेगा। लेकिन ये बड़े नेता जो है वो एक मंच पर आ गए हैं, भले ही लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी लोग ये बातें करते हुए दिख रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाना है और प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी की सरकार को अब केंद्र की सत्ता से बाहर करना, इसलिए ये सब एक मंच पर दिख रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो जमीनी हकीकत है या फिर जिन सीटों को लेकर विवाद देखने को मिल रहा था, वहाँ के जो नेता स्थानीय नेता वो अब भी इनके साथ जो है वो एक मंच पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि सांगली और भिवंडी ये दोनों जगहों पर कांग्रेस पार्टी के भीतर ही बगावत देखने को मिले, यानी वहां पे जो दोनों उम्मीदवार जो ताल ठोक रहे थे वो इंडिपेंडेंट जो है वो अपना पर्चा भर सकते हैं। तो इस बगावत को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी या महाविकास आघाड़ी के बड़े नेता क्या कुछ रेमेडीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कुछ उपाय योजना कर रहे हैं, वो देखना इंपॉर्टेंट होगा और इसीलिए फिलहाल सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 1 से 1.5 बजे के बाद ये जो स्थानीय नेता है अपने अपने चुनाव क्षेत्र में अपनी भूमिका स्पष्ट कर सकते हैं। रौनक, यहाँ पर एक सवाल ये है कि जो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है, खासकर हम कांग्रेस की अगर बात करें क्योंकि खींचतान कांग्रेस को लेकर ही थी, जो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है उसके लिए ये समझौता है, सहमति है, अलायंस का धर्म है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो पार्टी का ग्रासरूट वर्कर है या ग्रासरूट से नेता जो स्थानीय नेता हैं जुड़े हैं उनके लिए ये सरेंडर है। अब समझौते और सरेंडर के बीच की इस खाई को पाटा कैसे जाएगा, क्योंकि सोच अलग अलग है, नज़रिया अलग अलग है, कैसे साथ लेकर चला जाएगा, कितना आसान कितना मुश्किल होगा ये? ये देखिए, ये तो लीडरशिप की क्वालिटी होती है, जो लीडर होता है वही अपने कार्यकर्ताओं को एक पेज पर लाने के लिए यहाँ पर उन्हें मान मनोबल जो है वो करना पड़ेगा। हालांकि जो ग्राउंड रियलिटी है वो निश्चित तौर पर ये देख रही थी, क्योंकि जिस तरह का सीटों का बंटवारा हुआ है गठबंधन में, सबसे बड़ी ये खूबसूरती होती है गठबंधन की कि अगर आपको जो सीट चाहिए अगर आपको नहीं भी मिल रही है तो आपको वहाँ पर गठबंधन का साथ देकर उस गठबंधन को मजबूत करने का काम करना होगा। पहले जिस वक्त ये सीट बंटवारा हो रहा था कोल्हापुर की सीट में, आपको बता दूँ कि कोल्हापुर वैसे सेना का एक मजबूत गढ़ माना जाता है, लेकिन कांग्रेस का वहां पर आग्रह था कि वो सीट उन्हें मिलनी चाहिए, तो शिवसेना ने बड़ा दिल दिखाते हुए वो सीट कांग्रेस को दे दी। लेकिन जब सांगली की बात आई जहां पर कांग्रेस का कैडर जमीन पर मजबूत है, तो बंटवारे में ये सीट जब शिवसेना के पास गई तो कांग्रेस वहां पर कहीं ना कहीं एग्रेसिव रुख जो है वो दिखाने लगी और इसीलिए ये विवाद जो है पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा था। लेकिन आज जब नाना पटोले जो कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष है उनसे पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि एक बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ चीजें
छोड़नी पड़ती है और कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड के आदेश के बाद ये चीट जो है हम शिवसेना को छोड़ रहे हैं। लेकिन ग्राउंड स्तर पर जो सवाल आपने किया, क्या लीडरशिप अपनी ताकत दिखाते हुए जो बगावती सुर वहाँ से देखने को मिल रहे, क्या उन बगावती सुर को शांत करने में कामयाब हो पाएगी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा।